नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल पोर्टल न्यूज वायरल एसके पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए एक खास वीडियो लेकर के हाजिर हूँ कि अधिक अंक यानी अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत की क्या भूमिका है, क्या हमें मेहनत करना चाहिए, हमें कितना मेहनत करना चाहिए, इस विषय पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। आइए एक छोटे से कहानी के माध्यम से इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। शायद ये कहानी आपको बता देगा कि मेहनत किसी भी काम के लिए कितना ज़रूरी है। हम आपके साथ एक छोटा सा कहानी शेयर करने जा रहे हैं। एक मालिक था, वो अपने कार को किसी गैराज वाले के पास में दे आया। सुबह गैराज वाले के पास पहुंचे और बोले, भाई ये मेरा कार है, इस कार को थोड़ा ठीक कर देना। गैराज वाले बोले, ठीक है, शाम में आप इस कार को ले जाइए, आपका कार बन के तैयार हो जाएगा, जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर देंगे, शाम में आप अपना कार ले सकते हैं। सारा कुछ हो गया। गैराज वाले अपने एक छोटे से, उसके पास एक लड़का रहता था, उसको बोले कि देखो बाबू, इस कार को ठीक कर देना, ठीक है, इसमें इस टाइप का प्रॉब्लम है। वो कार को ठीक करने में व्यस्त, वो लड़का कार को ठीक कर रहा है। गैराज वाले आते हैं और पूछते हैं, अरे बाबू तुम्हारा कार अभी तक नहीं ठीक हुआ, क्या बात है, शाम में उसको कार देना भी है। लड़का काम कर रहा है। वो लड़का कार को ठीक करने के बाद उस कार को साफ करने में व्यस्त था। पूरे ठीक करने के बाद जहाँ पर थोड़ा गंदगी था उस सबको साफ करके बिल्कुल क्लीन कर दिया, यानी कार को ऐसा बना दिया जैसा न्यू। और गैराज वाले उसको देखकर हंस रहा है, ये तो कैसा लड़का है, शाम में उसको कार देना है, उसको सिर्फ बीमारी ठीक करना था ना, जो फॉल्ट था उसको ठीक कर देता, बस काम बन गया, वो ये सोच रहा था। लेकिन वो लड़का ऐसा नहीं किया, लड़का अपने काम को सही अंजाम देना चाहता था। वो लड़का सिर्फ कार को ठीक ही नहीं किया, बल्कि कार को ऐसा बना दिया कि कार पता ही नहीं चलता था कि कार वही कार है, एक पुराना कार को नया कार बना दिया, इतना साफ सुथरा कर दिया। सामने मालिक आया, बैठ गए, आपका कार रेडी है। कार को देखकर के मालिक आश्चर्यचकित हो गया, अरे ऐसा कार तो मेरा था नहीं, इसको सिर्फ हम ठीक करने के लिए दिए थे कि ये बीमारी है इसको ठीक कर देना, बट देख रहे हैं कि कार पूरे क्लीन हो गया, पूरा साफ हो गया, ये क्या बात है। गैराज वाले से बोले, एक बात बताओ, इस कार को ठीक कौन किया, हमको ये पहले बता दीजिए। गैराज वाले बोले, वो लड़का किया है, उसको बुलाइए। लड़का को बुलाया गया। लड़का को तो लग रहा था कि मैंने क्या गलती कर दिया इसके कार से, क्या कौन सा पार्ट्स निकाल लिया, क्या चोरी कर लिया, जो ऐसे बोल रहा है ये मालिक। बोले क्या हुआ मालिक। बोले कार को तुमने ठीक किया। बोले हाँ, मैंने तो तुमको सिर्फ कार का ये फॉल्ट था ये ठीक करने के लिए दिया था, तो तूने कार को सफाई क्यों कर दिया, एक्स्ट्रा काम क्यों किया। इस बात को सुनकर वो लड़का बोले, देखिए जितना जरूरी इस कार को ठीक करने का है, उससे कहीं ज़्यादा जरूरी है इस कार की साफ सफाई में। देखिए यदि आपका या हमारा सामान यदि साफ सफाई में रहेगा तो वो खराब बहुत कम होता है। इस बात को सुनकर वो मालिक काफ़ी प्रभावित हुआ और वो लड़का को अपने फैक्ट्री में एक अच्छे पद पर नियुक्त कर दिया। यही होता मेहनत। इसीलिए यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में भी एक सही तकनीक का प्रयोग करके किया गया काम अच्छा होता है। अभी युवा स्पर्धा है, हम लोग तकनीकी का प्रयोग करने, टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करते हैं अपने एजुकेशन में। लॉकडाउन के बाद से अधिकतर छात्र टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन को प्रिफर कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर हम घर में बैठ करके अपने एजुकेशन को पूरा कर सकते हैं। newsviralsk.com पर भी
ये चीज उपलब्ध है। यहाँ ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। अभी ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है 10वीं का, 12वीं का आर्ट्स वाले छात्रों के लिए। आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम का ये ऑनलाइन टेस्ट करवा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का दौर है, इस दौर में हमें आगे बढ़ के आना है और तभी हम सफल हो पाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और ऑनलाइन टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। और यदि आपके पास आसपास में आपका छोटा भाई है जो 9वीं 10वीं में है तो उनको ये मैसेज ज़रूर पहुंचाइए और इस वीडियो को फैला दीजिए पूरे बिहार में, पहुंच जाना चाहिए घर घर। ऑनलाइन का क्रेज बढ़ाना है और बिहार को सबसे आगे लाना है। इसी बात के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।